आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हरियाणा के अंदर सेकंड और थर्ड ईयर के एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज ही नोटिस आया है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ इस बारे में। आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि एडमिशन डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, तो दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूँ। फॉर्म कैसे भरें, कहाँ से भरें, फॉर्म कब भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अब सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, सारी की सारी क्या गलती ना करें फॉर्म भरने से पहले और क्या कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो पर कमेंट जरूर करें, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप किस कॉलेज से हैं। तो आप सभी दोस्तों इन तीनों चीज़ों को कमेंट जरूर करके बताएं कि आप कहाँ से हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन और अपडेट देने में आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी ताकि मैं उस हिसाब से आप सभी को अपडेट्स दूंगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हायर एजुकेशन का जो नोटिस है, यहाँ पर आज 7 तारीख का है। कोई वीडियो कल देखेगा बट इस रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 9 बजे हैं तो दोस्तों टाइम नहीं मिला। जैसे ही नोटिस आया उसके 1-2 घंटे बाद यार मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों अब यहाँ से बात पढ़ते हैं कि अब आपके दिमाग में आ रहा था कि एडमिशन कहाँ से होंगे। यहाँ पे डेट दे दी गई है 10/7/2023, इसी 10 तारीख से एडमिशन शुरू हो जाएंगे पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्टल है यहाँ से आपको एडमिशन कर पाओगे, यानी कि फॉर्म भर पाओगे। इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा अगले की फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे मैं अभी दोस्तों फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ साफ साफ लिखा है कि भाई यहाँ पर जो कॉलेज वाले हैं ना सब्जेक्ट कम्बिनेशन अपना सब कुछ देख लेंगे, हमारा जो काम का बात है यहाँ पर देख लेते हैं। काम की बात क्या है, 10/7/2023 से लेकर 31/7/2023 तक एडमिशन चल रहे हैं। इसके बाद क्या है कि 31 तारीख के बाद से लेट फीस लग जाएगी 100 रुपये हर दिन। देखिएगा दोस्तों जैसे 31 तारीख चली जाएगी, 31 तारीख के बाद जैसे एक तारीख से ठीक है ना, जो भी 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक यहाँ से दिल्ली के 100 रुपये लग जाएंगे अगर आप लेट फीस पर एडमिशन करोगे। ठीक है, फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आपके 100 रुपये लग जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एडमिशन की जो फीस है दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होगी। आप कॉलेज के अंदर भी जाके जमा करवा सकते हो और इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। एक यहाँ पे 1-2 बात लिख रखी है कि जो कॉलेज वाले चाहें किसी बच्चे की जैसे कि फीस शॉर्ट करना चाहें तो दोस्तों उसकी जो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं क्या कुछ कैटेगरी है उस हिसाब से उसकी फ़ीस शॉर्ट हो पाएगी, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 तारीख से आपके फॉर्म शुरू होंगे, लास्ट डेट है यहाँ पर 31। आप लास्ट डेट 31 मान के चलो, ठीक है ना, और क्योंकि 31 नहीं मानोगे तो लास्ट डेट तो 7 तारीख है, ये लेट फीस की है। तो आप 31 तारीख से अपना भाई पहले पहले जो फॉर्म है वो भर देना, यहाँ पे इतनी बात थी। अब दोस्तों आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई की फीस कितनी लगेगी। ठीक है, फीस कितनी लगेगी वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पहले फॉर्म भरा हुआ था सेकेंड ईयर का, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उससे अंदाज़ा लिया जाएगा। पूरी डिटेल में नहीं कह सकते कि इतनी फीस लगेगी, आपको बता देता हूँ कि आप फॉर्म कैसे भरोगे। जैसे आप पोर्टल पे जाओगे तो दोस्तों मेरा पिछला वाला फॉर्म भरा हुआ था तो उसके ब्याह पे मैं आपको फीस बता देता हूँ इतनी लगेगी अभी भी। क्योंकि दोस्तों जैसे आप फॉर्म भरोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लेने हैं, आपके सबसे पहले दोस्तों आपके सामने सब कुछ यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दिखा दे देगा। जैसे आप यहाँ पे लिंक पे जाओगे, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी हो तो आप फोटो अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जो फोटो एक बार आपने जैसे शुरुआत में जो दी थी रजिस्ट्रेशन के वही आनी है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोटो अपलोड करने की। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सब कुछ डिटेल दिखा देगा, जहाँ पर जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम, जो फैमिली आई डी, ईमेल आईडी, यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा। आप यहाँ से सिर्फ जो नेम वगैरह कुछ नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे सिर्फ आप जो ईमेल आईडी है वो चेंज कर सकते हैं बस। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो फीस है 2310 थी मेरी, ठीक है ना, पिछली बार जो मेरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था ना उस हिसाब से। यहाँ पर देखिएगा जो 2310
जो फीस है वो किस हिसाब से बनती है टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने अपनी फीस थी वो ऑनलाइन काटी थी, ठीक है ना, ऑनलाइन काटी थी, यहाँ पर आप 2310 रुपये देख सकते हो पे किया था मैंने ऑनलाइन। तो दोस्तों इस बात से सिर्फ एक ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ीस कितनी कटती है। तो पिछले साल फीस कटी थी लगभग भैया 1900 रुपए से शुरू हुई थी फीस, और लास्ट जो 2310 लग रही थी। कुछ जैसे कि सब्जेक्ट्स फीस नहीं कट पाते दोस्तों, किसी ने जो सब्जेक्ट है वो चेंज करवाए थे, सब्जेक्ट चेंज करवाने के बाद दिक्कत आती है, तो एक बार कॉलेज में जाके ज़रूर पता करें कि भाई मैंने चेंज करवाए थे फीस नहीं कट रही, वहाँ से सब्जेक्ट चेंज करवाने के बाद तब आपकी फ़ीस कटेगी। और फीस दोस्तों लास्ट 2300-2400 रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगी, सेकंड ईयर में मेरी इतनी लगी थी, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से है, 1900 से शुरू हुई थी और अब फाइनल ईयर में भी इतनी लगेगी, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी आपको समझ आया पूरी इन्फॉर्मेशन, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं आपको किसी ऐसी नई वीडियो के साथ।